खेती बाड़ी जहाँ रहो धान उन तो खत्म हो गए। इस साइड कुछ नहीं होता, मुखिया ना सरपंच ना कोई कुछ नहीं आया अभी, सरकार के तरफ से कुछ नहीं क्या मिलता, वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सब लोग भागी घर द्वार छोड़ के, बहुत दिक्कत होती है लोग के। दिक्कत नहीं है का, दिक्कत नहीं है। इन बांधों को फिर से थोड़ा सा अच्छे से अच्छे तरीके से इनका निर्माण कराया जाए। बहुत दयनीय स्थिति है, जब भी बाढ़ आती है कुछ न कुछ हादसा सुनने को मिलता है। इस साल तो बाढ़ आईबे करता है, खाली अंदर देख लिखे चल जाए, बस गन्ना वन्ना पूरा डुबा दिया है, पूरा गन्ना वन्ना डुबा दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल गाइस। तो दोस्तों जिस चीज का डर था वही हुआ, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने दिखाया था कि यहाँ कुछ पानी भी नहीं था, जो मेरे पीछे जो खेत आप देख रहे होंगे वहाँ थोड़ा सा भी पानी नहीं था, बट अभी आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा पानी आ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं गंडक नदी का अभी क्या हाल हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बोरा फिलिंग का काम चल रहा है, जैसे कल आप देखे थे मेरे वीडियो में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों काफी तेजी से पानी और भी बढ़ रहा है, जो सामने दिख रहा है ये गन्ना का खेत है, ये सब शाम तक ये पूरा डूब जाएगा। तो दोस्तों कल हम लोग देखे थे यहाँ पे एक बोरा रखा चिपिंग किया जाता है, जहाँ पे बांध कमजोर पड़ रहा है वहाँ पे ये सब बोरा को रख दिया जाता है ताकि ये बांध की मजबूती और बढ़ जाए और जो पानी से कटाव होता था मिट्टी का वो ना हो, कटाव होने से बच जाए और बांध टूटने से बच जाए। ये गंडक जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मेरे बगल में ये गंडक नदी है, जो कि पानी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों पानी नहीं था अभी कुछ ही देर पहले, यहाँ रोड पे पानी भी आ चुका है और रोड से इस पार से उस पार भी पानी हो चुका है। तो आइए दोस्तों, कब से बढ़ा था? सवेरे से बढ़ा था, सुबेरे से। तो इसे का खतरा हो सकता अभी? अरे अब खेती बाड़ी जहाँ रहो धान उन तो खत्मे हो गए, खत्मे होता है, अब आदमी के माल जाल के सब पे दिक्कत हुआ। जेका घर बाबू के तरह से रहता पानी में, अब पानी में घर बाबू कर कौन व्यवस्था बा, सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिलत, कहाँ सरकार वो से कोनो इति बा, कोनो स्टेप नहीं उठावत सरकार, कोनो सरकार अभी कदम नहीं उठावत, कदम नहीं उठावत। तो अब लोग के क्या प्लान बा, क्या करेंगे? अब प्लान ही है बाकी जी, अब कहीं ऊंच देख के सब लोग भागी घर द्वार छोड़ के। सुबेरे से पानी बढ़ल बा कि ना? कुछ बहुत पानी बढ़ल बा, बहुत पानी बढ़ल बा, मतलब कि पानी बढ़ सकता घर, बढ़ते जाता अभी, बढ़ते जाता शाम तक ले, और ही जौन थोड़ बहुत बाकी बा वो डूब जाए, सब डूब जाए कि ना। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं ये रोड पे मैं चल रहा हूँ और दोस्तों ये शाम तक ये चलने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पानी का बहाव काफी तेज होते ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम था, लेकिन अब दोस्तों अभी कुछ ही देर में ये पानी का बहाव काफी डबल हो चुका है और दोस्तों शाम तक पता चल रहा है कि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएगा और यहाँ पे कोई गाड़ियां भी इधर से उधर नहीं जा पाएगी, परेशानी होगी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, शाम तक ये भी नहीं निकल पाएगी, वो जो चक्का देख रहे हैं वो पूरा डूब जाएगा शाम तक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कल मैं आपको यहाँ वीडियो दिखाया था तो पानी बहुत ज्यादा कम था और आज आप देख पा रहे होंगे कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कल से। ये जो नाव आप देख रहे होंगे कल पूरा डाउन में था और ये देखिए अभी पूरा ऊपर तक आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इन भैया लोग से कि पानी के बारे में ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तो भैया पानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, पानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, पानी बढ़ रहा है, और भी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से क्या कहेंगे, वैसे हर साल तो बाढ़ आईबे करता है, सुरक्षित जगह पर है क्योंकि अभी पानी का लेवल अभी कम है, इससे ज्यादा आता है। अभी तो और आने वाला है पानी ना, हाँ भर जाएगा, ये पूरा डूब जाता है ना, डूब जाता है, कम से कम पानी का लेवल वहाँ तक चला जाता है, जितना ये बोरा रखा गया है लगभग यहाँ तक तो आ ही जाता है, पूरा आ जाता है, पूरा आ जाता है। आप लोग का घर कहाँ होगा यहाँ से? यही बगल वाला गांव, बगल वाले गांव में, वहाँ पे पानी तो नहीं जाता होगा, बांध टूटने के बाद तो फिर जाना। अच्छा, बांध टूटने के बाद ही जाता है आप लोग के यहाँ। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों चलिए भैया से भी पूछते हैं कि यहाँ बाढ़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो भैया आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अविनाश है। अविनाश, और इस बाढ़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो हर साल आते रहता है, इसी मंथ में आता है पानी, जिस पर भी ज्यादा पानी आ जाए और बांध कमजोर होता है तो बांध टूट जाती है और पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। और यहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि सतर्क रहें। अच्छा, और ये पानी, ये पानी हर साल आता है क्या? हाँ, हर साल इस महीने लास्ट लास्ट अगस्त तक आ ही जाता है, आ जाता है। और फिर इससे बचने के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं लोग? सरकार अपने प्रिकॉशन जारी करती है, नोटिस दे देती है कितनी पानी कब आने वाला है, उसके लिए तैयारी करके भी रखती है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे सरकारी कर्मचारी घूमते रहे हैं। हाँ, और वो जो रेत भर के बालू में भर के जो बोरे रखे हुए हैं आपदा के लिए रोकने के लिए काफी है, लेकिन जब पानी जरूरत से ज्यादा आ जाता है ना तो ये चीजें सब फेल हो जाती है और बांध टूट जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है, पूरा पानी फैल जाता है, पूरा पानी जहाँ यहाँ अगर बाई दबे यहाँ टूट जाता है ना तो यहाँ से पूरब दिशा, इस दिशा जो है पूरब की ओर है तो पानी इधर ही निकलेगा, तो इधर के पूरे गाँव में पूरे पानी भर जाते हैं, पूरा पानी भर जाता है, सारी फसल वगैरह सभी है सब बर्बाद हो, सब बर्बाद हो जाते हैं। और इस एरिया का तो फसल होता ही नहीं होगा, नहीं इस बांध के इस साइड वाले कोई भी फसल जैसे गन्ने की खेती है वही कुछ बच जाती है, दूसरा कोई फसल नहीं होता, और धान वगैरह कुछ नहीं होता, इस साइड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, जो होगा उस साइड होगा, गलती से अगर बांध टूट जाती है तो सब खत्म हो जाएगा, उधर भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि इधर के लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से, और क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है?
सरकार की तरफ से यही है कि इन बांधों को फिर से थोड़ा सा अच्छे से अच्छे तरीके से इनका निर्माण कराया जाए ताकि इससे भी ऊंच स्तर के पानी आए तो उसे रोक सके और लोगों को जो है जैसे कि चीज़ों की जरूरत है वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए, विशेषकर इसको लेकर जागरूक किया जाए। बहुत से जब भी बाढ़ आती है कुछ न कुछ हादसा सुनने को मिलता है, बिल्कुल, तो उसके लिए भी जागरूक किया जाए और जितनी हो सके उतनी सुरक्षा के लेके और इस बांध को लेके, स्पेशली इस बांध को लेके इसे मजबूत बनाने सुदृढ़ीकरण किया जाए और ये पानी जो आ रहा है इसको हम जैसे लोगों को पहले बता दिया जाता है तो ये चीजें लगभग जारी रहनी चाहिए कि लोगों को पता रहे कि भाई पानी आ रहा है, बाढ़ आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, अगर ये बांध को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं तो इधर के लोग तो फंस जाएंगे ना पानी में, तो फिर इधर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पॉइंट ये है कि इधर के लोगों को पहले से पता है कि हर साल बाढ़ आती है, इधर पानी भर जाता है, घरों में पानी चली जाती है, तो सरकारी सुविधाएं इन्हें दी जाए ताकि वो यहाँ से निकल के और जिस तरफ पानी नहीं जाता जैसे कि बाहर की तरफ ये दक्षिण दिशा की तरफ, इधर जाके वो अपना घर बना सके, इतनी सरकार की तरफ से उनको रिसोर्सेज दे जाए, इतना मतलब मिल सकता है सरकार की तरफ से, मिलना चाहिए सरकार की तरफ, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद भैया, बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो पानी कब से बढ़ाता है? पानी काल से बढ़ा था, काल से बढ़ा था पानी, काल हम निकाल रहे तो बहुत कम पानी रहे, एबरा बहुत ज्यादा हो गई बा, कल बहुत कम रहे पानी जाके, कल हम वीडियो में दिखाई ले रहे पानी बहुत कम रहे, जैसे कि कैमरामैन कैम के वो भी दिखावे के पानी के कितना लेवल अभी हो चुकल बा, तो जैसे कि आप भी देख सकते नहीं कि पानी बहुत तेजी से बढ़ता और अभी भी पानी बढ़े के संभावना बा, बहुत संभावना बा, देखिए पूरा धार मारा था कोस के, गन्ना वन्ना पूरा डुबा दिया है, पूरा गन्ना वन्ना डुबा दिया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन भैया से भी क्या है यहाँ का बाढ़ का सिचुएशन और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो ये बाढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, और यहाँ पे क्या हो सकता है अभी, पानी का संभावना कितना है? बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है कि नहीं मदद? कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अभी कोई आया नहीं है, कुछ निगरानी कुछ नहीं है, ना मुखिया ना सरपंच ना कोई कुछ नहीं आया, अभी सब बंद है, सब बंद है, किसी का कोई ध्यान नहीं है इधर, नहीं है। चलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? हम यहाँ के माननीय हमारे जो विधायक जी हैं उनसे ही निवेदन करेंगे कि एक बार आके देखें और समझें। क्या कहेंगे चाहते हैं पानी के बारे में? ना कुछ ना, और ये तो रहे कि बहुत दिक्कत होती है लोगों के, दिक्कत नहीं है का, दिक्कत नहीं, बहुत पूरा एकदम पानी पानी भर गई भाई। तो बाढ़ के बारे में क्या कहे चाहे, कहा कहे पहुँच मिले तो जो कह ली, सरकार की तरफ से कुछ मिलता कि ना रो लोग मदद? पूछो ना, कुछ नहीं मिला, कुछ तो सहायता मिले चाहिए, खाली देख कर लिखे चल जा ले बस 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 हो गए, और कौन सुनवाई ना वाला, सब यही वाला, अब बारिश आई तो बारिश अगर तिरपाल टंगा जाला तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत भाई जा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, मेरे चैनल से बने रहिए, तो आगे दोस्तों अपडेट यहाँ का मिलता रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।